रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एस्पायर कॉलेज चुनिया की जानिब से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर चुके हैं। तो जूलॉजी का ये फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम जो है सेल का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल है क्या। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि बुनियादी ज़रूरत है किसी भी लाइफ की। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सेल का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल के बगैर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या लाइफ जो है वो सेल के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सेल को हम काफ़ी तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, एंड द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ सेल आर: द सेल इज़ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर डैट एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ। कि सेल एक ऐसा सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या किसी भी मैटर की, दैट एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ, के जिसके अंदर लाइफ की, ज़िंदगी की सारी खसूसियात जो हैं वो पाई जाती हैं। हम इसको और किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं? सेल्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। के किस ज़िंदगी के जो फंक्शनल यूनिट्स हैं, जो उसका हर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्या हैं? सेल। एंड विच ऑल द केमिकल रिएक्शंस नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ टेक्स प्लेस। के सेल के अंदर, क्योंकि ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, और जितने भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, या फिर ज़िंदगी को मेंटेन रखने के लिए, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, और रिप्रोडक्शन के जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो सेल के अंदर हो रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सेल जो है वो किसी भी ज़िंदगी की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो है वो एक बुनियादी ज़रूरत है। और साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि लाइफ नेवर एग्जिस्ट विदाउट सेल। अब ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म कैन बी, कि सेल्स की बेसिस पे हम ऑर्गेनिज़म्स को दो तरह से जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ यूनिसेलुलर, सेकेंड वन इज़ मल्टी सेलुलर। यूनि मीन्स वन। यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि सिर्फ़ एक सेल पे मुश्तमिल हैं, सिर्फ़ एक सेल से मिलके बने हुए होंगे। मल्टी मीन्स मैनी, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स आर दोज ऑर्गेनिज़म्स इन विच मैनी सेल्स आर प्रेजेंट। कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज़म्स में बहुत सारे सेल्स जो हैं वो मिल के एक ऑर्गेनिज़म की बॉडी बना रहे होंगे। वट आर द टाइप्स ऑफ सेल्स? सेल्स की तीन बेसिक टाइप्स हैं। इनको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? पहली दो टाइप्स आर्किया एंड यू बैक्टीरिया। आर्किया जो है हम एंशियंट बैक्टीरिया को भी कहते हैं, एंड यू मीन्स ट्रू। तो यू बैक्टीरिया जो हैं वो ट्रू बैक्टीरिया होंगे, जो कि प्योर बैक्टीरिया या फुली फॉर्म्ड बैक्टीरिया जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब आर्किया और यू बैक्टीरिया जो हैं, इनको हम प्रोकैरियोट्स कहेंगे। प्रोकैरियोट्स का क्या मतलब है? प्रो मीन्स बिफोर, एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। के बिफोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के डिस्कवर होने से या न्यूक्लियस के प्रॉपर बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होने से पहले। तो प्रोकैरियोट्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रोकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट लैक न्यूक्लियाई एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। के ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जिनके अंदर न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, और बाकी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। एंड द थर्ड टाइप इज़ यूकेरिया। यूकेरिया यूकेरियोट्स को कहते हैं, मतलब ऐसी डोमेन है जिसमें सारे यूकेरियोट्स ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। यूकेरियोट्स कौन से ऑर्गेनिज़म्स हैं? यू मीन्स ट्रू, एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा। एंड दीज ऑर्गेनिज़म्स कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई, उनके अंदर प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, एंड अदर ऑर्गेनेल्स, और सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होंगे। यूकेरियोटिक सेल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्यों कॉम्प्लेक्स हैं? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ना तो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, और ना ही डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो बहुत सिंपल होंगे, और यूकैरियोटिक सेल्स उनकी निस्बत बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे, क्योंकि उनमें जो हैं बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो हैं प्रेजेंट हैं। यूकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो हैव अ नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। अब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर नेटवर्क है कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स का। कौन से? माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स मिल के जो है पूरा स्केलेटन बनाते हैं सेल का। सेल का स्केलेटन बना के, और सेल के जो इंटरनल मूवमेंट है स्केलेटन की, उसमें भी हेल्प करते हैं। अब हमने देखना है कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई।
सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है जिसने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। डिस्कवर कैसे किया? इसने जो है थिन सेक्शंस ऑफ कॉर्क लिए, डेड प्लांट के कॉर्क के कुछ सेक्शंस लिए और उनकी स्लाइड्स बना के अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे उनको स्टडी किया। और उनको स्टडी करने के बाद रॉबर्ट हुक को पता चला कि जो सेल्स हैं उसको हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स की तरह नज़र आए। हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स किस तरह से कि जैसे कि शहद की मक्खी का छत्ता होता है, उस तरह छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे। और उसने इसकी बेस पे कह दिया कि ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जो कि कॉर्क के अंदर नज़र आ रहे हैं, ये क्या हैं? सेल हैं। और उसने ये भी कहा कि सेल जो है वो एक एम्प्टी स्पेस है जिसे किसी भी एक मेम्ब्रेन ने बाउंड किया हुआ है। ये बहुत एक अर्ली उसकी डिस्क्रिप्शन थी, जब सिर्फ एक डिस्कवरी के टाइम की बात थी कि सेल एक एम्प्टी स्पेस है जो कि बाद में नलीफाई हो गई थी। और जब न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था तो रॉबर्ट ब्राउन ने यह कहा कि सेल एक एम्प्टी स्पेस नहीं है बल्कि उसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। अब अगर हम सिर्फ यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, जो सेल पूरा डिस्कवर हो चुका है, सेल के अंदर की सारी चीज़ों का पता है, तो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं तीन बेसिक पार्ट्स पे कंसिस्ट होते हैं। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स हैव थ्री बेसिक पार्ट्स दैट आर, नंबर वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? किसी भी सेल की आउटर बाउंड्री है जो कि सेल को इनक्लोज किया हुआ है। उसने सेल के पूरे जितने भी इंटरनल मटेरियल्स हैं, इंटरनल ऑर्गेनल्स हैं, उन उसने जो है इनक्लोज किया हुआ है। नाउ व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स द इंटरनल मेटाबॉलिक इवेंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है कि जितने भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक इवेंट्स हो रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको एनवायरनमेंट से सेपरेट करेगी एंड अलाउ देम टू प्रोसीड इन ऑर्गेनाइज्ड वे। और उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो कि ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं, उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है चलने देगी। कंटेन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फॉर एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स। चूँकि ये सेल की एक आउटर कवरिंग है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल के बाहर इन्वायरमेंट में से कुछ एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स को बाइंड कराती हैं, जिसकी वजह से सेल का फंक्शन जो है वो ऑल्टर हो सकता है, चेंज हो सकता है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ग्रीक वर्ड से निकला है। कौन से दो ग्रीक वर्ड से? काइटोस एंड प्लाज्म। काइटोस मीनिंग हॉलो वेसल एंड प्लाज्म मीन फ्लूइड, कि ये एक सेल का ऐसा वेसल है, हॉलो वेसल है जो जिसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है। एंड साइटोप्लाज्म इज द पोर्शन ऑफ सेल आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड इंटरनल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि ये सेल का एक ऐसा पार्ट है जो कि न्यूक्लियस के बाहर है, आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड इंटरनल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि अगर हम इधर एक सेल बनाएं तो यहाँ पे ये क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पे सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर यहाँ से, और ये अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जितना ये पार्ट है इसे क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। अब साइटोसोल जो है एक ऐसा पोर्शन है साइटोप्लाज्म का जो कि क्योंकि इसके अंदर सारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेमी फ्लूइड पोर्शन है। और सॉल्युबल पार्ट जितना भी साइटोप्लाज्म का होगा दैट इज नोन एज साइटोसोल। द थर्ड वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द सेल्स कंट्रोल सेंटर। सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस सेल की पूरी फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा है, बॉडी की पूरी फंक्शनिंग। जब सेल्स बॉडी जो है, ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल पे बेस कर रहा है, लाइफ सेल पे बेस कर रही है, तो सेल के अंदर असल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसके अंदर पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है जो कि ऑर्गेनिज्म की पूरी फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा है। सो वी कैन से दैट सेल्स इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और सेल। कंटेन न्यूक्लियर मटीरियल। सेल के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटीरियल प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, जो कि पूरी जिसमें सारी जीन्स प्रेजेंट होंगी और वो पूरी जो है जेनेटिकली पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा कि किस ऑर्गेनिज्म ने किस तरह से अपना लाइफ जो है वो गुजारनी है। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इज द सेमी फ्लूइड मटीरियल इन द न्यूक्लियस। जस्ट लाइक साइटोसोल सॉल्युबल पार्ट था, सेमी फ्लूइड पोर्शन था साइटोप्लाज्म का, तो न्यूक्लियस के अंदर जो सेमी फ्लूइड मटीरियल प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। नाउ
हायरार्की इन द मल्टी सेलुलर एनिमल। अब मल्टी सेलुलर एनिमल्स में कैसे कौन सी चीज़ों से मिलके एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवेल्प हो रहा होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं किसी भी एनवायरनमेंट के, किसी भी एलिमेंट के, तो वो क्या हैं? एटम्स। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी सेल, कोई भी ऑर्गेनिज्म सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, एटम्स, उनसे मिलके बना होगा। एटम्स आपस में जुड़ेंगे और बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बनाएंगे, ये दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलके भी बना सकते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलके बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू कर देंगे, जिनको क्या कहेंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मीन्स ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होंगे, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स फर्दर क्या बनाएंगे? ऑर्गेनल बनाएंगे। ऑर्गेनल को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर विद इन अ सेल एंड परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। कि सेल के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है कि उसने एनर्जी जनरेट करनी है बॉडी के लिए। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है कि उन्होंने प्रोटीन्स सिंथेसाइज करनी है। इसी तरह ऑर्गेनल आपस में मिलके बहुत सारे ऑर्गेनल जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या बनाएंगे? अल्टीमेटली वो सेल बना देंगे। और सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है, जो हम पीछे से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अब बहुत सारे सेल आपस में मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। और टिश्यू को हम डिफाइन कैसे करेंगे? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। कि एक टिश्यू है, उसमें बहुत सारे सिमिलर सेल्स मिले हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे, और वो एक टिश्यू बना रहे होंगे। जैसे अगर हम बात करें स्केलेटल टिश्यू की, अपने मसल्स की बात करें, तो मसल्स में जो मसल टिश्यू प्रेजेंट है उसमें उनका काम क्या है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है या फिर रिलैक्स करना है। तो उसमें सारे सेल्स सिमिलर टाइप के होंगे और वो मिलके एक टिश्यू बना रहे होंगे। अब डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में मिलके एक ऑर्गन बना देंगे। ऑर्गन का क्या काम है? कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, कंपोज्ड ऑफ सेवरल टिश्यू टाइप्स। और एक ऑर्गन के अंदर डिफरेंट तरह के टिश्यू जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सिर्फ स्टमक की बात करें, स्टमक एक ऑर्गन है और स्टमक का फंक्शन क्या है कि उसने जो भी हमारा फूड है उसको क्या करना है? डाइजेस्ट करना है। तो किसी भी ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। देन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कंबाइंड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो कंबाइन होंगे और पूरा का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। ऑर्गन सिस्टम की हम एग्जांपल्स दे सकते हैं कि जैसे हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। और अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ओरल कैविटी से शुरू हो रहा है, उसके बाद वो स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर इसमें पैनक्रियाज भी इन्वॉल्व हैं, एंड अल्टीमेटली इट एक्सक्रीट्स आउट ऑफ द बॉडी। तो ये पूरा जो ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये किस से बन रहा है? डिफरेंट ऑर्गन्स के मिलने से बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि टू और मोर ऑर्गन्स कंबाइंड डेट आर परफॉर्मिंग अ सेम फंक्शन, डेट आर परफॉर्मिंग अ फंक्शन, तो उसको हम क्या कह देंगे? ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स बॉडी में, अब जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स की हमने बात की है, वो सारे आपस में मिल के सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स आपस में मिल के एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगे, जो कि क्या होगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। और उसे हम कहेंगे कि ये पूरा एक इंडिविजुअल बन गया, ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म या इंसान या कोई भी कोई एनिमल है, कोई प्लांट है, तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है बन जाएगा। थैंक यू।